आज बनाऊंगी व्हाइट पुलाव। हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं तो गाइस बहुत हैप्पी हूँ। आज मैं खुद हाथों से देखिए इतना बड़ा बड़ा चिकन काट कर रही हूँ। गाइस 2 चिकन में 7 किलो होगा, क्योंकि गाइस मेरा बेटे का कल बर्थडे है। तो आज मैं कुछ लोगों को खाना खिलाने के लिए मतलब ये वीडियो बना रही हूँ और खाना भी बना रही हूँ। सो गाइस, ये वीडियो देख के आप लोग प्लीज़ कोई मतलब ऐसे नेगेटिव मत सोचिएगा जब मैं मतलब किसी को खाना खिलाऊँ तो वो भी एक मेमोरी बन के रहेगा मेरे लिए। इसके लिए जस्ट मैंने इसको मतलब रहेगा, क्योंकि मैं छोटा से देखते हैं मेरी माँ बहुत कुछ किया, तो उस टाइम कोई कैमरा कोई नहीं था तो नहीं करा, बट मैं एक मेमोरी के लिए सब कुछ रखना चाहता। मैं अभी अभी यूट्यूबिंग चालू की तो जस्ट इसके लिए मैंने ये करो। तो प्लीज़ आप लोग सब नेगेटिव मत लीजिएगा। तो देखिएगा, मैं आज खुद हाथों से मेरे बेटे का बर्थडे, फ्राइडे का मेरे बेटे का बर्थडे, मतलब आज मैं वॉइस दे रही हूँ, ये थर्सडे का वीडियो है, क्योंकि थर्सडे को मैं एक दिन मैं वीडियो बना कर दूसरा दिन मैं पोस्ट करती हूँ, और आज वॉइस दे रही हूँ। देखिए, मैं 7 किलो चिकन को मेरे हिसाब से कट कर लिया, अच्छे से 2-3 बार धो ली एंड 2 कुकर में शिफ्ट कर दी। एक है 7 लीटर का एंड और एक है आपका 5 लीटर का। तो दोनों में मैं चिकन जितना जो है शिफ्ट करके ये करके सॉल्ट, खड़ा मसाला, कुछ कच्चा मिर्ची एंड लास्ट में दूंगी अदरक। यही अभी का मसाला रहेगा गाइस। और तो दोनों में जैसे चिकन है वही हिसाब से दे दिया एंड ज़्यादा पानी देने का गाइस, क्योंकि इसका जब ग्रेवी से हम लोग को चावल पकाने का है, तो पानी दे दिया। दोनों को शिफ्ट करने के बाद अच्छा से उसको ढक्कन लगा के 2 गैस पे मैंने शिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि मैं अकेली हूँ, दोनों इसमें एक साथ में बनाने का टाइम भी नहीं कम रहता है। तो इसके देखिए उसको जस्ट एक सीटी मारने के लिए मैं कुकर में दे दिया, प्याज को ऐसे करके काट लिया। और मेन जो मसाला है गाइस, गरम मसाला तो है ही, बट काली मिरी, इसका जो तीखापन है ना काली मिरी में लेके आएगा। सो देखिए, एक सीटी मारने का जो चिकन ऐसे होगा, देखिए पक भी गया है चिकन एंड एक साइड में मैंने पानी शिफ्ट कर लिया और दूसरा चिकन, क्योंकि ऐसे एंड दूसरा बड़ा सा एक पैन ले लिया। लेने के बाद मैंने 1 कप ऑयल और 1 कप घी, दोनों चीज़ें, ऑनियन में 2 कप जैसे ऑनियन ले लिया, उसको मैं ज़्यादा नहीं भूनूंगी गैस, जस्ट 50% ही करूँगी, हल्का सॉफ्ट होने के बाद ही। देन फिर से 1 टीस्पून आपका अदरक, 1 टीस्पून लहसुन एंड जीरा ज़्यादा, काली मिरी पाउडर जो दिखा है ना, उसका तीखापन जैसे देना है आपको वही हिसाब से देने का एंड गरम मसाला पाउडर देके अच्छे से भून लेने का। मतलब व्हाइट पुलाव में ज़्यादा मसाला नहीं रखते, बट गैस खाने में बहुत टेस्टी है। सो देखिए, मैं थोड़ा भूनने के बाद ही इसमें बासमती राइस दे दिया। तो देने के बाद इसमें अच्छे से भून लेने का, क्योंकि मसाला में ज़्यादा नहीं भूने थे गैस इसके लिए, और ऑलरेडी मैं चिकन में सॉल्ट दे दी थी, इसके वजह से मैं राइस में थोड़ा कम दूंगी एंड मेरा भुनना हो गया। 10 मिनट तक भुनने के बाद ही जो चिकन का ग्रेवी है चावल के अंदर ऐड कर देने का। ऐड करने के बाद ही देखिए गाइस आपका राइस का हिसाब से, मैं इसमें आई थिंक कुछ 1.5 किलो राइस ली थी, 1.5 किलो का अंदर में 3 किलो का जैसे मतलब पानी दिया तीन। हाँ, तो देखिए चावल उबल गया, उबल जाने जो हम लोग उबला हुआ जो चिकन है उसमें ऐड कर दूँ। मैं दोनों एक साथ में नहीं दिखा रही हूँ गाइस, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं एक ही प्रोसेस में दोनों ही बनाने वाली हूँ, मतलब 3 पतील में मैंने बनाई थी। तो ये एक फास्ट है मेरा, तो फास्ट में देखिए कितना अच्छा सा राइस गाइस बहुत ही खिला खिला बना था, आप लोग देख सकती हो। अभी तक पका नहीं है बट लास्ट मोमेंट में भी आप देख पाओगे बहुत ही। सो गाइस, दोनों जो 3 पतीला में मैं बनाऊंगी, तीनों का प्रोसेस देखिए। एक तरफ तो मेरा राइस ऑलरेडी पक गया है, ये है देख सकते हो, एंड दूसरी तरफ इसको दम में रख दिया स्लो गैस में, और दूसरी तरफ है आप देख सकते हो कितना बड़ा बड़ा पतीला है, क्योंकि 4 किलो आपका राइस है एंड 7 किलो से, हाँ 7 किलो है। मैं थोड़ा चिकन ज़्यादा दे दी, क्योंकि बच्चे लोग भी ज़्यादा खाने वाला है इसके वजह से। एंड तीसरा वाला पतीला वो तो मैं बनाना दिखाया नहीं गाइस। सो मैं बचपन से देखते हैं गाइस, मेरे माँ कुछ ना कुछ करते आया, कुछ शूट वगैरह नहीं, तो मैं एक माँ हिसाब से मुझे बहुत खुशी मिल रहा है जी, मेरे बेटे के लिए मैं खुद हाथों से बनाया। ऐसे तो उसका पार्टी होगा, मैं 100% आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करूंगी। तो देख सकते हैं, मैंने उधर एक तरफ मेरा खाना भी बन रहा, दूसरा तरफ मैं कुछ सैलाड भी बना रही थी। तो कैसे लग रहे वीडियो एंड कैसे मेरा मैं व्हाइट पुलाव बनाई, लास्ट मोमेंट में थोड़ा धनिया पत्ता दे दी थी एंड लास्ट में देखिए आप लोग को कुछ सर्व करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये खाना हम लोग भी खाओगी, ये नहीं जो घर पे भी मैंने सबके लिए बनाया है। तो देख सकते हैं अब कितना खिला खिला बना है,
बहुत ही अच्छा मज़ेदार एक रेसिपी है, आप लोग ट्राई कर सकते, बहुत अच्छा लगेगा। सो देखिए, मैं बारिश बहुत है गए, जो लोग मुंबई है में है वो लोग को पता है बारिश कितना है, तो इसके लिए मैं पैकिंग कर करके सबका घर पे ही देने वाली हूँ। देखिएगा कैसे मैंने ऐसे मतलब वॉल पेपर जो पड़े है उसमें मैंने पैकिंग करके सब पैक कर, अल्लाह हाफिज़ गई।